ज्ञान दे सकते हैं, लोगों को तोड़ने के लिए काम करेंगे, लोगों को भड़काने का लोग काम करेंगे, यही काम करेंगे। और ये मुकेश सहनी है ना, इनको भी बड़का कटोरा धरा देगा नरेंद्र मोदी कि आपको बड़का बड़का कटोरा लेके आप बिहार में घूमते रहिएगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। टंटन गोपाल, संतोष कुमार सुमन जी और ये जीतनराम मांझी जी का कोई अस्तित्व थोड़े है। NDA सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत त्रस्त हो गए। त्रस्त हो के जो आदमी, दुखी आदमी किसी के पास जब जाता है तो वहाँ से भागना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ जो चाचा भतीजा की जोड़ी है ना, वो समझिए कि हीरा पन्ना की जोड़ी है, राम लखन की जोड़ी है। नमस्कार, IVTV देख रहे हैं आप। जैसे महाराष्ट्र में उथल पुथल हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, वैसे ही जो है हम यहाँ पे आ गए हैं, लोगों से सवाल पूछेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में अजित पवार जो है वो NCP का साथ छोड़ के BJP में आ गए हैं, तो क्या लगता है बिहार में जो चाचा भतीजा है यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, वो भी ऐसा करेंगे क्या? तेजस्वी यादव नीतीश को धोखा देंगे? तो आइए जानते हैं पटना की जनता से उनकी क्या राय है, वो कैसे इस चीज़ को देखते हैं। महाराष्ट्र में टूट फूट होकर के जो सरकार बनी है, उस तरह से क्या लगता है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, पहले ये बताइए। और जो चाचा भतीजा है बिहार में, उनको कैसे देखते हैं, क्या उनके बीच भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वहाँ की क्या रणनीति है, क्या राजनीतिक है, क्या वहाँ का सोच है, क्या विचार है, कैसे राजनीति करते हैं, वहाँ की पब्लिक का क्या राय है। लेकिन यहाँ जो चाचा भतीजा की जोड़ी है ना, वो समझिए कि हीरा पन्ना की जोड़ी है, राम लखन की जोड़ी है। यहाँ बिहार सरकार जो हमारे महागठबंधन की सरकार है, यहाँ पे RJD है, आपको जनता दल यूनाइटेड है, उसके बाद कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, और तमाम ऐसे छोटे बड़े जो पार्टी हैं हमारे महागठबंधन में सम्मिलित हैं। अभी इस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है। और यहाँ अभी जब तक रहेगा ये 2024 भी आने वाला लोकसभा का चुनाव है, लोग बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे, कोई नरेंद्र मोदी बोल रहा है, लेकिन चेहरा तो नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है, पब्लिक तो उनको भी चाह रही है ना। तो महाराष्ट्र में सरकार अभी टूटी है, उसमें अखंडता आ गई है, इसलिए बिखर गई, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, बिहार में चाचा भतीजे हैं वो एक ही रहे। हाँ, वो जैसे क्या बोलते हैं कि जो मैंने जोड़ी सलामत रहेगी उनका हमेशा के लिए, इसलिए कि बिहार में अब इससे अच्छा सरकार तो हम नहीं जानते भाई। हम लोगों को तो अच्छा मिला यहाँ, माननीय नीतीश जी हम लोगों को रोजगार दिए हैं, हर तरह के व्यवस्था दिए हैं, स्वास्थ्य सुविधा दिए हैं, शिक्षा में सुधार करवा रहे हैं, आप रोड देखिए, रोड का भी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। तो हम लोगों को तो बिहार में विकास चाहिए। अच्छा। और महाराष्ट्र में रणनीति क्या है, वहाँ की सरकार तो अलग रहती है, वहाँ तो हमेशा साल भर में सरकार गिर ही जाता है, कभी किसी का कभी किसी का। लेकिन देखिए, जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से यहाँ जोड़ी बनी हुई है और बनी ही रहेगी। अच्छा भैया, बात करें नीतीश कुमार की, हम पूछ रहे हैं भतीजा क्या करेगा, तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी आदमी उनका साथ देंगे, नीतीश जी का साथ देंगे, नीतीश जी उनको हाथ धर के लाए हैं कि भाई आपको मेरे साथ रहना है, तो फिर वो गलत काम नहीं कर सकते हैं। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो फिर अपना जाने, नतीजा उनका काम जाने, उनका नाम जाने। इस बात को आप निश्चित तौर पे कहते हैं? हाँ, एकदम 100-10%। संतोष कुमार सुमन जी और ये जीतनराम मांझी जी का कोई अस्तित्व थोड़े है, ये लोग जहाँ देखता है वहीं घुस जाता है। अभी बिहार में तो कोई अस्तित्व रहा नहीं लोग का, अभी इनका अब तो कभी बिहार में इनको जगह मिलवो नहीं करेगा मांझी जी को। और सुमन कुमार जो मंत्री बनने के चक्कर में है ना, केंद्रीय मंत्री बनने का, उनको कटोरा मिलेगा बहुत बड़का, देखिएगा। और ये मुकेश सहनी है ना, इनको भी बड़का कटोरा धरा देगा नरेंद्र मोदी कि आपको बड़का बड़का कटोरा लेके आप बिहार में घूमते रहिएगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। टंटन गोपाल, क्या लगता है, जिस तरह से महाराष्ट्र में टूट फूट कर सरकार बनी है, वैसे बिहार में भी हो सकता है नीतीश तेजस्वी के बीच, ऐसा लगता है? ऐसा नहीं लगता है, यहाँ बिहार में ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि NDA सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत त्रस्त हो गए थे। त्रस्त हो के जो आदमी, दुखी आदमी किसी के पास जब जाता है जी, तो वहाँ से भागना नहीं चाहता है। जो कि हम कल से भूखे हैं, हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमको तस्मई पूरी अगर मिलता है तो वहाँ से हम नहीं भागेंगे। इस तरह के यहाँ संबंध है, उस तरह के अपने घर में भूल कर चले गए थे, गलत से, तो गलत से चल गए तो वो विचार किए बाद में और अपने घर में वापस आए कि हम लोग को एक रहना चाहिए, लालू जी भी एक साथ थे
और उनसे भी अलग हुए थे और हार कर लास्ट में भी सोचे कि नहीं, मेरा मान सम्मान वहीं रहेगा। तब चाचा भतीजा का गठबंधन बना है और अटूट गठबंधन बना है, इसमें कोई दो मत नहीं है और नहीं टूटने वाला है और नहीं टूटेगा, और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं लोग मिलजुल कर जी। तो मतलब चाचा भतीजा एक साथ रहेंगे, यानी कि नीतीश और तेजस्वी यादव जी। हाँ, नीतीश और तेजस्वी यादव एक साथ रहेंगे और अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं, अब देश के लिए सोच रहे हैं नीतीश जी। देश के लिए सोच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अगले हो सकते हैं नीतीश जी? एकदम जैसा उनका लक्ष्य है वैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं जी। राष्ट्र में हुआ है, वैसे क्या बिहार में हो सकता है? चाचा भतीजे में फूट आ सकती है? नहीं, फूट नहीं होगी। कैसे? कैसे, अटूट गठबंधन है, ये रहेगा, टूटने वाला नहीं है। टूटने वाला नहीं, नहीं है। इसको आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? निश्चित रूप से देख, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि बीजेपी चाचा भतीजा चाचा को धोखा दिए हैं और उनका पार्टी तोड़ने में वो इच्छुक थे, उसलिए दोनों आदमी अपना सट गए हैं, अभी टूटने वाला नहीं है। पार्टी तोड़ने में इच्छुक थे इसीलिए तो, हाँ, इसलिए वो बीजेपी को छोड़कर अपना चाचा भतीजा महागठबंधन बना लिए और देश में अगला सरकार भी बनाएंगे। तो मतलब तेजस्वी यादव रहेंगे अपने चाचा नीतीश को लेकर? हाँ, दोनों आदमी साथ ही रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे। काम करेंगे जी, ठीक है। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में टूट फूट हुई है, नया सरकार बना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र का राजनीति और बिहार का राजनीति दोनों अलग अलग है। यहाँ कंप्लीट सरकार है, वहाँ शुरू से ही ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि वहाँ गठबंधन टूटेगा और सरकार बनेगा, इसलिए करके वहाँ गठबंधन टूट गया, दूसरा सरकार बना लिया। अच्छा, अपने यहाँ संभव नहीं है। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि जैसे वहाँ पे चाचा भतीजे का जो भी हुआ है वो भी सामने है, तो क्या बिहार में भी तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जो चाचा भतीजा हैं, इनमें फूट आ जाए? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ का चाचा भतीजा और वहाँ का चाचा भतीजा में आकाश जमीन का अंतर है और बिहार में संभव नहीं है। बिहार में कंप्लीट सरकार है और ये कभी टूटेगी नहीं। मतलब ये आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ जो भी गठबंधन है वो गठबंधन का विचार एक है, काम एक है, सिद्धांत एक है, इसलिए करके ये जो है कभी नहीं टूटेगी। वहाँ का विचार, वहाँ का सिद्धांत अलग अलग था, इसलिए गठबंधन टूट गया। चलिए, ठीक है। महाराष्ट्र में जो टूट फूट कर सरकार बनी है, इसको आप कैसे देखते हैं, पहले ये बताइए। महाराष्ट्र में टूट टूट कर सरकार बनी है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उसमें देखना है? मतलब जैसे चाचा भतीजे में फूट आ गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है? मतलब तेजस्वी यादव जो हैं, चाचा नीतीश को धोखा दे, बिहार में ऐसा नहीं हो सकता, बिहार में ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है अभी। कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो सकता? अटूट संबंध है अभी, अटूट संबंध है अभी। यह राजद और जदयू एकदम मिल करके सरकार चलाएंगे, अच्छा से चलाएंगे, बिहार के लोग भी खुश रहेंगे। मांझी कह रहे हैं जेडीयू से पहले वो कांग्रेस में आकर के नीतीश का जो है वो पल्ला छोड़ देंगे। बहुत बहुत पहले कुछ कुछ ना बोलते रहते हैं वो। मांझी का तो अभी रिसेंटली बयान आया है। वो बयान आने दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, नेता लोग अलग हटे हुए हैं तो कुछ बोल सकते हैं। मतलब नेता लोग हटे हुए हैं, अलग हैं, तो कुछ भी बयान दे सकते हैं? बयान दे सकते हैं, लोगों को तोड़ने के लिए काम करेंगे, लोगों को भड़काने का लोग काम करेंगे, यही काम करेंगे। तो सुना आपने, लोगों ने अपना राय दे दिया है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, महाराष्ट्र का जो सियासत है वो यहाँ के सियासत यानी कि बिहार के सियासत से काफ़ी अलग है। यहाँ के जो चाचा भतीजे हैं वो एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं विकास के लिए और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IVTV पे। मैं हूँ मौसम झा, कैमरामैन हीरा के साथ, धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।